कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता समान परीक्षा। महिला कांस्टेबल है जिसका जांच पड़ताल भी कर रहा है कि सागे कोई ना कोई चीज ले तो कौन जा रही है। मैं कोचिंग करता हूँ तो हमारे कोचिंग में इसे एक ही बच्चों कौन से फेल हो रहे सब पास हो रहे फुल नंबर हूँ। थाने बड़ा भरोसा पढ़ाई तो आ करी थे करी हाँ करी थी भरोसे है थाने। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं आइटम बीकानेरी महाराणी स्कूल के सामने खड़ी हूँ। आज शाम है और आपने पीछे देख सको थे विद्यार्थी जी का अलग अलग जगह से उठाया है एग्जाम देने वास्ते। दूसरी पारी स्टार्ट होने वाली है 1 बजे आसपास, तो जी का विद्यार्थी पहुंचे है बारह के बातचीत भी करेंगे या एग्जाम में ले रहा आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहे। दूसरी पारी है दूसरी पारी तीन 6 बजे स्टार्ट होगी, तो आप इतना जल्दी क्यों आ गए? हाल फिलहाल तो 12:30 बजे नहीं अभी ये 1 बजे से 2 बजे तक एंट्री है और एंट्री का टाइम है। अच्छा मतलब 1 बजे में ले 2 बजे तक पहला एंट्री है, एंट्री है। 1 घंटा पहला एंट्री हो जाएगा, 1 घंटा पहले एंट्री। अच्छा 1 घंटा पहला इतनी जल्दी एंट्री क्यों करवाओ? अब देखो सरकार नियम है क्या चेक कर मतलब क्या कोई बंदो फोन दोन सब बाहर रखे नकल वगैरह ना ले नकल वगैरह ना लगे बच्चों। मतलब पिछली बार भी आप तो एग्जाम दियो ना? पिछली बार मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं अभी पहली बार सेकंड ईयर में हूँ, सीएटी का पहली बार। सीएटी को पहली बार देखो, सीएटी ने जरूरी क्यों कर दियो? अब देखो सीटी यानी कि ज़्यादा बच्चा हो गया तो जैसे कि एग्जाम ज़्यादा बच्चा हो गया तो सीटी मतलब एक पड़ा हुआ है पार करना इर बदम आई मैं जहाँ कॉन्स्टेबल हो गया एलडीसी पटवार वीडियो में एग्जाम है। मतलब सीएटी को एग्जाम दे बाद में आप कौन सी सरकारी नौकरी के पेपर दे सकते? जैसे ये बार लेवल आज एग्जाम तो इसमें जैसे कि राजस्थान पुलिस है और ये आर एस सी है ये वगैरह इसमें एग्जाम आते हैं एग्जाम दे सकते हैं। और कब से शुरुआत हुई है पता आपने? हाँ लगभग 2 साल हो गया शुरुआत हुई है, पहली बार एग्जाम है 2022 में एंड में एग्जाम 2022 एंड में। अच्छा सी ए टी की फुल फॉर्म क्या कुछ है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पात्रता समान परीक्षा। मतलब यहाँ लगे थे वो एग्जाम फाइट करके छोड़ो अब देखो मन में था ये फाइट तैयारी किसी की है? तैयारी बढ़िया है तैयारी। कौन सी जगह में आया? मैं अभी कॉलेज से नैना गांव से आया। कॉलेज तू नैना गांव मतलब बहुत दूर आया? बहुत दूर से आया। फिर सुबह सुबह आपने बस मिल गई? नहीं सुबह मतलब समस्या थी कुछ देर की बाइक से आया वहां से आगे बस मिली वहां से। अच्छा, मतलब गांव कॉलेज तक बस मैं फिर बैठेसू बाइक पर आया और बाइक फिर आके बस गाँव से कुछ देर बाइक से वहाँ पे बस बस के कुछ रहा दो किताब के कुछ बन जाओगे आपके सीटी एग्जाम। देखो अभी सीटी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आगे। एग्जाम की बात कराई की मैंने ज्यादा क्वेश्चन कौन सा हुआ है? देखो ज्यादा क्वेश्चन जैसे कि समान समान है सभी जैसे कि ज्यादा तो ये जैसे ये राजस्थान जी के यही है और कुछ नहीं है और ज्यादा यही है और जैसे 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के ये और साइंस के 7-8 क्वेश्चन इस के। कौन सी जगह आया थे? मैं तो खजल है बार भाई हो। हाँ दोनों ही सीएट को एग्जाम देने वास्ते? नहीं एक। अच्छा सिस्टर ने दरवान वास्ते? हाँ। अच्छा खाजू वाला हूँ थे आया हो बस में आया हूँ? हाँ। कितना बजे आया? सुबह 8:30 बटू 8:30 11 सुबह 8:30 बजे बटवर रवाना हुआ। अच्छा एग्जाम ने लिए अपने एक पिछली बार सरकार ने घोषणा भी करी कि बस की सुविधा फ्री ही मिली आप? मिली फ्री मिली उन्होंने तो फ्री मिली थारे एक ने एक ने एक ने तो थारा तो किराया लग गया। अच्छा फिर एग्जाम की तैयारी क्या है आपकी? ठीक है। अच्छा इस एग्जाम है वो कौन दे सके मतलब कौन सी क्लास के बाद में दे सके? 12वीं लेवल पर और ग्रेजुएशन मतलब 12वीं लेवल के बाद रमाना है जिसको ये एग्जाम में बैठ सके बैठ सके। अच्छा ये एग्जाम री कोई विशेषता क्या वास्ते देना पड़े हो? आगे आ रही है वैकेंसियां जैसे कि पटवारी मतलब आगे रही अगर कोई नौकरी के मायने बैठने वास्ते पहला वो एग्जाम पास करना जरूरी है। अच्छा इसमें पहला भी आपको एग्जाम दियो सीएट को? नहीं ये पहले है। अच्छा आप पहला एग्जाम ही है क्या लग रहे हो पहले एग्जाम के मायने क्या लग रहे हो मतलब कुछ मन में या है कि पास हूं या कौन हूं? एकदम पास फुल नंबर हूं फुल नंबर हूं। अच्छा थाने बड़ा भरोसा पढ़ाई तो आ करी थे करी? हां करी थी भरोसा है मतलब थाने वाला। हां अच्छा आप क्या करो? मेरे बार स्पेशल बीएसटी सी साथ है। आप रे तो कोई सेट को एग्जाम दे दोगे? नहीं अब रीट को दे। कौन सी जगह आया हूं? खाजुवाड़ा। खाजुवाड़ा ठीक है तो नजदीक में यार खाजुवाड़ा तो बहुत दूर है। नजदीक है बीकानेर जिले में आ जाए जनवा 115 किलोमीटर है बीकानेर से। आप खाजुवाड़ा? आप भी खाजुवाड़ा हूं। अच्छा एग्जाम देने वास्ते फिर बस की सुविधा भी एक पिछले साल सरकार फ्री करी ही? फ्री है फ्री है। किराया कौन लगे आप? नहीं नहीं आप की किराया करो क्यों आप वापस जाओगे जब जानते तो रोड पे जाएगो नहीं मतलब लेट को नहीं 6 बजे तक पेपर है मैं बाद में आएगा नहीं। आप कौन सी पारी में पेपर? सेकंड पारी में 3 उच्च है। 3 उच्च है। अच्छा एंट्री अंदर कितना बजे है? 1 और 2 एग्जाम है वो कदू लागू करे पिछले साल ही लागू करे
2022 तो यहाँ दो चीज तैयारी करा जी LDC और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। तो पटवारी है, ग्रेजुएशन सीटी के अंदर है, ग्राम सेवक है, जूनियर अकाउंटेंट है, तो ग्रेजुएशन सीटी के अंदर है। एग्जाम 2022 में चालू करी है, तो फिर आज चीज क्यों लागू करिए, सही है या गलत है लागू करने? देखो बात तो के बता सके कहने सही लगे कहने गलत लगे बात तो आप पास सरकारी जी योजना बनाई है, बाकी सोच समझ के बनाई उसी की। आप बताओ आपने क्या लगा? सही है, यहाँ पिछली बार जी यहाँ 15 गुना क्रेडिट हो तो बहुत सिस्टम सही कौन है, क्योंकि एक साल तक जगह 15 गुना के अंदर जगह बंदा नहीं बैठ बैठ सकता। तो अभी की बार जो 40% करिए वो सही है आलोक राज जी, बहुत बहुत विद्यार्थियों ने क्या बेनिफिट क्या है? मेन तो इनके अंदर जी भगदड़ है बा कम करनी ही, क्योंकि जगह मेन एग्जाम देने जाता बी टेम में भगदड़ बहुत होती, पेपर देने वाला कम होता और घुमाई वाला ज्यादा होता। वैकेंसी होती 1000 की, बट एग्जाम देना आता 1 लाख। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने वाला कम होता। अब इमेज है कि छंटनी हो जाए, मतलब बिम पहला छंटनी हो जाए कि मतलब हां ओरिजिनल मक्खन कौन सा है, छाछ कौन सी है, बस साइड में करती हो, बीच चीज को बीच को पता लग जाए। एक तरीके अगर आप ही सोच में देखो जाओ तो अच्छी सही है, सही है भैया, पढ़ने वाले लिए तो सही है, बिना पढ़ने वाले तो किसी लागू कर दो कभी। फुल फॉर्म के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, समान पात्रता। हाँ, तो को अभी की बार जो 40% लागू करिए इन अंदर माना भाई समान है, या पिछले 15 गुना करिए तो इन अंदर कोई समान को नहीं, क्यों समान पात्रता परीक्षा मतलब यही है कि भाई एक कोई लिमिट होनी चाहिए, जब अभी 40% करिए तो भी सब होनी चाहिए। अच्छा सीएट कोई आपरी कोई एक शिकायत अभी क्या शिकायत फिलहाल तो ठीक होने, मतलब सर्वगुण संपन्न वाली बात है, मतलब एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप माने कोई दिक्कत को लगता सही है आपने? हाँ मारे नजरियों सही है, आपने नजरियों बस बढ़िया यही है कि मतलब दो एग्जाम दराओ यार, पहला सीएट को दराओ फिर जार नौकरी वाले देना पड़े, तो देना ही पड़ती है। बढ़िया है, पहला निकल गया कुछ बंदा, अब 40% पर आ गया, भीड़ कम होगी। कुल मिला के कई बार तो वो मनोबल टूट जाए, तो पहले सर्विस में जा बैठता जिन्हें कहता 1000 की भर्ती है और 1 लाख जना हासी बढ़े, तो भी अगर आधी तो बात मेंस को सिस्टम आ गया नहीं, बढ़िया है, पहला प्री में निकल गया बंदा, अब भीड़ छंटगी, बाकी मेंस में बैठा मतलब जी मान लो एक तरह को, तो बढ़िया है कि भीड़ निकल गई पहले ही। अब मैं बैठे मौजूद हूँ जैठा एंट्री गेट है, अब एंट्री है जी की स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 1 बजे रो टाइम है और दूसरी जी की पारी है स्टार्ट होना लिए। एक तरफ व्यवस्था जी की आप लोग अगर सामने देख सको, एक तरफ लड़का की लाइन और एक तरफ लड़कियां की लाइन है, और अगर सुरक्षा नियम की बात करें तो सुरक्षा नियम के तहत अंदर चेकिंग भी चल रही, एक तरफ देख सको जी की तरफ लड़कियां भी, तरफ एक महिला कांस्टेबल है जिसका जांच पड़ताल भी कर रहा है कि सागे कोई ना कोई चीज ले तो कौन जा रहा है, जिसकी गाइडलाइन है गाइडलाइन बता दी गई और भी अकॉर्डिंगली अंदर प्रवेश करने दी जा रही है। एक तरफ लड़का है जिसका ने भी देख सको आने भी बराबर एंट्री दी जा रही है, और एक आखिरी तरफ से सिक्योरिटी है जी की रखी गई है, अंदर पुलिस कांस्टेबल भी है, तो मैं भी आके पूरी जांच पड़ताल भी कर रहा है और भी के बाद में आना एंट्री दी जा रही है। साला सर अटों की तो दूर रह जाओ आप, अटों नहीं 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है बस में आओगे? हाँ बस, किराया लगे हो? बिल्कुल किराया लगे, रोडवेज बस है कोनी साला, रोडवेज बस जान रोड है, मतलब वो कड़ी ने एक गाड़ी आवे जब 10 बजे आवे तो टाइम पर पुगा होगन, बस योजना को फायदा कोनी ना भाई, बिल्कुल कोनी मिले। हम पर कुछ कहना चाहोगे क्या सही है या फिर गलत है? सही है जिया करवा रहे हैं ठीक है, कचरो तो कहीं सपोर्ट वाला है तैयारी करे तो पेपर देने ना होगा तो कचरो कोई 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 एक शिकायत है ना, आपने कोई शिकायत कौन, आपने कोई शिकायत कौन? मैं कोचिंग करता तो हमारे कोचिंग में इशू है कि बच्चों कौन जो फेल हो रहे सब पास हो रहे, पुलिस है, वन रक्षक वनपाल है, 30,000 LDC राव तो कोने आया हूं मैं भी काटे चलू है। हां काट जाए वो तो आर कौन तो ले ली भर्ती में दे ले कती काटी, एक दो भर्ती काटी वहां कहीं भर्ती ही को निकल दिया, कट निकल रही है। ये वो पहली बार दे रहा है एग्जाम या दूसरी बार दे रहा है? नहीं मार दूसरी बार है, दूसरी बार पिछली बार दिया, पिछली बार भी दी हो थी। हां तो पिछली बार दिया बाद में कोई एग्जाम को नहीं होगा, कोई भर्ती पिछली बार कट आई तो यार भर्ती को राजस्थान की आई 60,000 की, एग्जाम देने वास्ते फॉर्म फिल करना पड़ा क्योंकि की कुछ फीस है, ये फीस कोने खाली फॉर्म भरना है 50 रुपया इमित वाले को, ये लेकिन अब जगह लागे तो कहीं फायदा होगा यार, तो बस तुम्हारे लागे को नहीं मार तो कहीं फायदा है, 10 बजे वाले बस थाने आड़े छोड़े किताब छोड़े 3-4 घंटा ले टाइम पर भुगा होगा, 50 सेंटर ही तो भुगना पड़े ना, सेंटर में 1 बजे एंट्री है, तो जी अब गंगानगर चौराहे है तो वो तो सारी है लेकिन कई दूर ही तो है ना, बस भी में मतलब 22 स्टूडेंट भीड़ भी तो है ना, एक बस मात है को नहीं सकला मजा मिला के, आपने बस वाली सुविधा को दुख है,
वो तो है देखो थन समय थे खुद ही जानो आप भी एग्जाम देने आओगे पहली बार दे रहे हो दूसरी बार पहली बार अच्छा पहली ए दूसरी बार दे के तो एक्सपीरियंस है दूसरी बार ना एक्सपीरियंस है तो थाने की है कोई घबराहट घबराहट तो कोई नहीं है नहीं की घबराहट होने तो एग्जाम को फुल फॉर्म किए कौन ध्यान और आज वाला वीडियो देखे बाद में आप लोग का कहीं कुछ राय है विचार है जी आप कमेंट और माध्यम में जरूर जरूर बताओ साथ ही वीडियो ने शेयर भी कर दिया धन्यवाद सर।